प्रेत मुक्ति, शैलेश मटियानी। केवल पांडे आधी नदी पार कर चुके थे। घाट के ऊपर के पार्ट में अब उतरते चातुर्मास में सिर्फ घुटनों तक पानी है, हालांकि फिर भी अच्छा खासा वेग है धारा में। एकाएक ही मन में आया कि संध्या काल के सूर्य देवता को नमस्कार करें, किंतु जलांजलि छोड़ने के लिए पूर्वाभिमुख होते ही सूर्य और आंखों के मध्य कुछ धूमकेतु सा विद्यमान दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर देखा, उत्तर की ओर जो शूद्रों का श्मशान है बोणसी, वहीं से धुआं ऊपर उठ रहा है और हवा के प्रवाह की दिशा में धनुषाकार झुककर छिदिर मिदिर बादलों का सा गुच्छा बनाता सूर्य के समानांतर धूमकेतु की तरह लटक गया है। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। केवल पांडे के घुटने पानी के अंदर ही आपस में टकरा गए और अंजलि में भरा जल ठीली पड़ी उंगलियों में से रीत कर नदी में ही विलीन हो गया। अर्धचेतन में कहीं से एक आशंका तेजी से उठी, बेचारा किशन राम ही तो नहीं मर गया। किशन राम की स्मृति में होते ही घुटने पुनः नदी के जल प्रवाह में प्रकंपित होते से मालूम पड़े। पुरोहित पंडित केवलानंद पांडे को लगा कि उनके और सूर्य के बीच में धूमकेतु नहीं बल्कि हलिया किशन राम की आत्मा प्रेत की तरह लटकी हुई है। कुछ क्षण सुयाल नदी के जल से अधिक अपने ही में डूबे रह गए। किशन राम के मरे होने का अनुमान जाने कैसे अपना पूरा वितान गढ़ता गया। गले में झूलता यज्ञोपवीत, माथे में चंदन तिलक और रक्त में खुलासा जातीय संस्कार। बार बार अनुभव हो रहा था कि ऊपर श्मशान से अछूत के शव की अस्थि मज्जा को बहा कर लाती सुयाल नदी का जल पांव से टकरा रहा है। हो सकता है ऊपर से अध चला मुर्दा ही नीचे को बहा दिया जाए और वही अचानक पांव से टकरा जाए। नदी के तेज प्रवाह में लकड़ी के स्लिपर की तरह घूमते और बहते जाते शव उन्होंने कई बार देखे हैं, विशेषकर बनारस में संस्कृत पढ़ने के दिनों में। हालांकि इधर से सुयाल पार करते ही गांव से लगा अरण्य प्रारंभ हो जाता है। अब सूर्यास्त के आसपास के समय ऊंचे ऊंचे चीड़ वृक्षों की छायाएं पूर्व की ओर प्रतिच्छायित हो रही थी। दूर ढलानों पर गाय बकरियों के झुंड चरते दिखाई पड़ रहे थे। कुछ देर यूं ही दूर तक देखते, आखिर नदी पार करके अपने गांव की ओर बढ़ने की जगह केवल पांडे तेजी से इस पार ही लौट आए। उन्हें लगा आगे की ओर का पानी चीर सकने की क्षमता घुटनों में नहीं रह गई। धुआं देखने से पहले भी आधी नदी पार करते में न जाने इतने आकस्मिक रूप से क्यों किशन राम की याद आई थी कि उन्हें लगा था वो नदी के पाट को अपने पांवों से ठीक वैसे ही चीर रहे हैं जैसे किशन राम हल के फाल से खेत को चीरता है। अब भी बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के ही आखिर क्यों उनकी कल्पना के आकाश में आशंका का यह धूमकेतु एकाएक को भर आया है कि जरूर किशन राम ही मर गया होगा और उसी का शव चलाया जा रहा होगा। हो सकता है चिता न जल रही हो, नदी के किनारे मछली मारने वालों ने ही आग जला रखी हो। केवल पांडे का मन हुआ किनारे का जल हाथों में लेकर उसे देखें। उन्हें याद आया जब कभी हल जोतते जोतते बैल थाम कर किशन राम उनके समीप आ जाता था, सुरती फांकते उसके मैले चीकट कपड़ों से भी ठीक वैसी ही तीखी गंध फूटती मालूम पड़ती जैसी सुरती की गांठ तोड़ते में फैलती है। कहीं ऐसा ना हो पानी से भी वैसी ही गंध फूट आए। अपनी अजीब अजीब सी कल्पनाओं पर केवल पांडे को हंसी आने को हुई मगर आई नहीं। किशन राम को लेकर जो कमजोरी उनके मन में है वही पिछले कुछ समय से उन्हें लगातार दोचित्ता करती चल रही है। उसकी मृत्यु की आशंका से यूं एकाएक जुड़ जाने के कारण ही मन अपनी स्वाभाविक स्थिति खो बैठा है, ऐसा उन्हें लगा। और अब वो नदी पार करने की जगह
बिनसर पहाड़ की दिशा में यानी उत्तर की ओर किनारे किनारे चलने लगे। श्मशान लगभग एक फलांग दूर था वहां से। खुले मैदान की भुरभुरी मिट्टी में रेंगती गर्भवती नागिन जैसी नदी सुयाल भी अब उल्टी दिशा को लौटती अनुभव हो रही थी। सूरज की किरणों के पानी की सतह पर हवा से कांपने की स्थिति में नदी कैसे अपना प्रवाह पलटती सी मालूम पड़ती है, और तब किनारे किनारे कुछ फासला रखकर चलते रहिए तो चंद्रमा की तरह नदी भी अपने साथ साथ चलती दिखती है। ऐसे में हो सकता है इसी बीच किशन राम का शव अधजला ही बहा दिया गया हो तो वो भी उत्तर की ओर वापस लौटने लगे। कुछ दूर आगे बढ़ते ही सामने ही एक गहरा ताल दिखाई दिया तो लगा कहीं ऐसा ना हो शव यहां तक बह आया हो और मछलियां उसे नोच रही हो। एक बार गहराई तक उस ताल में झांक कर केवल पांडे और भी तेजी से चलने लगे ताकि आशंका का समाधान हो जाए तो मन को विभ्रांति से मुक्ति मिले। धोती की कांच को उन्होंने कंधे पर डाल लिया ताकि नीचे झुककर ताल में झांकने में सुविधा रहे। सुयाल कभी देखी हो किसी ने तो वो जानता है कि कार्तिक के प्रारंभ में जबकि बाढ़ की ऋतु व्यतीत हो चुकी होती है तब इसका जल कितना पारदर्शी हुआ रहता है, लेकिन चूंकि अभी चातुर्मास को बीते कुछ अधिक समय नहीं बीता होता है इसलिए आसानी से इसके प्रवाह में पांव टिक नहीं सकते। और देखिए कि जैसे पहाड़ की कई औरतें चांदी के रुपयों की माला पहने रहती हैं, कुछ दूर तक डोरी फिर पहला रुपया, इसके बाद फिर कुछ दूर तक डोरी और फिर चांदी का दूसरा रुपया, लगभग वैसा ही अंतराल सुयाल नदी में है। उद्गम से कुछ दूरी तक नदी की सी आकृति, फिर पहला ताल, इसके बाद फिर कुछ दूर तक वही प्रकृति के गले में की डोरी और फिर दूसरा ताल, और यही सिलसिला जब तक कि कोसी में समाहित न हो जाए। केवल पांडे की जजमानी का भी कुछ ऐसा सिलसिला है कि कहा जाए कि लगभग जहां तक सुयाल जाती है। किनारे की ऊंची शिला पर से ताल में झांकने लगे तो असेला और पपड़ुआ मछलियों को ताल के तल में विचरण करना और छोटी छोटी चिल्लों का पानी के भीतर से कंकड़ों की तरह पुटक करके सतह से भी एक आध बालिश्त ऊपर उछलकर फिर पानी में गिरते हुए वृत्त पर वृत्त बनाना देखते ही रह गए। याद आया कि जब व्रत बंद न हुआ था कभी कभी ताल में किशन राम के साथ मछलियां मारते अन्य शूद्र हम उम्रों के साथ स्वयं भी कूद पड़ते थे। घर में कोई मछली खाता नहीं था लेकिन मैण लगी मछलियों को पकड़ने में जो आनंद आता था। रामबाण के पत्ते कूट कर पानी में डाल दिए गए, मेड़ बधे पानी में साबुन का सा झाग उतर आया और अर्धमूर्छित सी मछलियां सतह पर चक्कर काट रही है, हथेलियां फैलाने पर ही पकड़ में आ जाती है। केवलानंद पांडे और किशन राम की उम्र में विशेष फर्क नहीं, शायद 2-3 वर्ष बड़ा हो किशन राम, मगर केवल पांडे की तुलना में बहुत जल्दी ही बूढ़ा दिखने लग गया। 65वां वर्ष पार करते हुए भी पांडे जी के गौर प्रशस्त्र ललाट का तिलक रेखाओं में नहीं डूबता है, मगर किशन राम की कमर झुक गई। बचपन से ही किशन राम को देखा, एक ही अरण्य के वृक्षों के साथ साथ आकाश की ओर बढ़ने की तरह। किशन राम के पिता की 3 पत्नियां थीं और बहुत बड़ा परिवार, खाने पहनने को पूरा नहीं पड़ता था। दूसरों के यहां मेहनत मजदूरी का अनवरत सिलसिला दिन रात कंधों पर लदा रहता। पांडे जी को याद नहीं पड़ता कभी उन्होंने किशन राम में किशोरावस्था की चंचलता या जवानी के उद्दाम आवेग को उसके चेहरे या उसकी आंखों से फूटता हुआ देखा हो। जब कभी देखा हल या हथौड़े हंसिए की मूठ थामे काम में जुटा हुआ देखा। किशोरावस्था गांव में गुजार कर मिडिल पास करके केवल पांडे पहले मामा के यहाँ नैनीताल और फिर वहां से अपनी वाग्दत्ता के पिता के पास बनारस पढ़ने चले गए। नैनीताल से हाई स्कूल, बनारस से शास्त्री करके फिर घर ही लौट आए। छोटे भाई सभी पढ़ रहे थे और पिताजी अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। यजमानी बहुत बड़ी थी और उसे संभालना आर्थिक और नैतिक दोनों दृष्टियों से आवश्यक था।
पठन पाठन का वृत्त पूरा करके सदैव के लिए घर लौटने पर पांडे जी को पता चला था किसान नाम से ही कि इस बीच उसकी माँ मर गई और वो भी अपने मामा के यहाँ चला गया था। मामा लोहार था मगर किशन राम सिर्फ किसानी या ओढ़गिरी जानता था और गरम लोहा पीटने में अपने दाएं हाथ की उंगलियां पिटवा बैठा। हाथ बेकार हो गया तो मामा ने भी दुरा दिया और वहां से पत्नी को लिए दिए ससुराल चला आया। ससुराल वालों ने भी अपनी बेटी यानी उसकी घरवाली भवानी को तो रोक लिया, उसे अकेला विदा कर दिया। हाँ, भवानी के लिए यही तो कहा था किशन राम ने कि गोसाई जी, उन डोमों ने मेरी घरवाली को रोक लिया, ये नहीं कि अपनी बेटी को। मामा के यहां कुट गए दाएं हाथ की तीन उंगलियां धीरे धीरे गलती हुई बेकार हो गई। शेष दो से सोटा और बाएं हाथ से हल्की मूठ पकड़कर बैलों को ऊंची हाँक लगाते किशन राम की आवाज पांडे जी ने गांव की सीमा में पहुंचते ही सुनी थी और जब रास्ते में कुछ देर किशन राम के पास रुककर उसका दुख सुख पूछ लिया कि आशीर्वाद, किशन राम कैसे हो, ठीक ठाक, तो लगा कि जैसे अपनी सारी गाथा उन्हीं की प्रतीक्षा में छाती में दबाए था किशन राम, अवसर पाते ही प्रकट होता ही चला गया। अपना व्यतीत बताने में जिस तरह धीरे धीरे उसकी आंखें भरती चली आई थी, लगता था कहीं बहुत गहरे दबा विषाद कोहरे की भांति ऊपर उठ रहा है। उसकी आंखों की आग थी या जैसे कि बांध बांध कर ऊपर की ओर उठाए हुए पानी की सतह। किशन राम को रोते देखने का ये पहला अवसर था, अन्यथा उसकी खुश्क आंखों में तो सदैव एक दीन मुस्कुराहट ही देखी थी उन्होंने। कठोर परिश्रम के क्षणों में पसीने से लथपथ उसकी देह देखने से भले ही अनुभूति होती हो कि क्या ये अपनी त्वचा में से आंसू बहाता होगा, और पांडे जी को तब भी तो विचित्र सी कल्पना हो आती थी कभी कभी कि किशन राम कहीं अभिशप्त इंद्र तो नहीं कि इसकी सारी देह में आंखें ही आंखें फूट आए। पसीना वो पोछता भी कुछ इतने जतन से था, लगता था गालों पर से निथरते आंसू पोछ रहा हो। ऐसे में एकटक उसकी ओर देखते रहने पर मुंह में कैसा खारा खारा पन सा उमसने लगता था। लेकिन तब तक ये सुरती की गांठ तोड़ने में फैलने वाली जैसी तीखी गंध उसमें से फूट कर नहीं आती थी। बनारस से लौट आने के बाद केवल पांडे ने देखा था कि उम्र में बड़ा होने पर भी किशन राम उनके गोरे बलिष्ठ और खुले हुए शरीर की तुलना में ऐसा लगता था जैसे इतने वर्षों के बीच प्रकृति ने उस लोहे को गर्म करके परिस्थितियों की चोटों से पीट पीट कर अपने अनुकूल बना लिया हो। खेत जोतते, पेट काट कर गिंडे बनाते या हल जोतते, पत्थर तोड़ते में वो जैसे अपनी संपूर्ण आंतरिकता में प्रकृति में समा जाता था। पांडे जी को बार बार वो अनोखा दृश्य याद आता है जब 14 वर्ष की उम्र में ही शादी हो जाने के बाद किशन राम दुर्गुन के लिए अपनी पत्नी को उसके मायके ले जा रहा था और वो मिडिल स्कूल से लौट रहे थे। छोटी सी ठिंगनी सांवली लड़की, गाढ़े हरे रंग का घाघरा और गुलाबी रंग का पिछौड़ा पहने बड़े इत्मीनान से बीड़ी पीते उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। किशन राम ने महाराज कहकर जमीन में मत्था टेकते हुए पांडे जी को प्रणाम किया था तो उसने जल्दी में बीड़ी को अपनी हथेली में ही घिस लिया था और फिर हंस पड़ी थी। पांडे जी को हंसी आ गई थी, किशन राम भी हंस पड़ा। गुसाई जी, हमारी कौम में तो सारे कर्म कांड बचपन में ही सीख लेती हैं छोरियां। और आखिर शर्माते शर्माते पूछने लगा था कि शास्त्रों के अनुसार किस उम्र तक आपस में खुलकर बातचीत करना निषिद्ध है। शास्त्र का उच्चारण करने में किशन राम का कंठ तब भी कुछ थरथरा गया था। पांडे जी बचपन से ही तीव्र बुद्धि के थे, समझ गए किन्हीं सयानों की बात को गांठ बांधे हुए। भोले निश्चल स्वभाव के किशन राम के प्रति उन्हें शुरू से ही आत्मीयता सी थी और एक झलक किशन राम की घरवाली को उन्होंने भी देख लिया था एक हम उम्र की सी जिज्ञासा में। धीमे से कहा था, अरे यार किशन राम, अभी तो खुद मैंने ही कोई ऐसा शास्त्र नहीं पढ़ा है,
पिताजी संस्कृत पढ़ने काशी भेजने वाले हैं। 10-12 वर्ष बाद बटुक शास्त्री बनने के बाद लौटने पर तुझे बताऊंगा कि इस मामले में शास्त्रों में क्या लिखा है। और तब कैसे हंस पड़े थे वो दोनों एक साथ, जैसे कि अरण्य में के फूल हों। किशन राम की घरवाली के सिर पर निंगाले की डलिया थी, पीले पिछौड़े के छोर से ढकी हुई दुर्गुन यानी गौने की पूरिया रही होंगी और उसमें आलू के गुटके और गंडेरी का साग। कई वर्षों के बाद एक बार छुट्टियों में घर लौटे थे कुछ दिनों को, तो किशन राम से पूछा था उन्होंने कि किशन राम कोई संतान हुई या नहीं। और किशन राम के उत्तर से उन्हें लगा था जैसे वो उसी दिन की प्रतीक्षा में है अभी, जबकि पांडे जी उसे शास्त्रों में लिखा उत्तर बताएंगे। काशी से शास्त्री करके लौट आने के बाद भी उनका मन वही प्रश्न पूछने को हो रहा था कि किशन राम की दुखांत गाथा से मन भराया। उन्होंने अनुभव किया इस बार किशन राम की घरवाली ने अधजली बीड़ी को अपनी हथेली में घिस लेने की जगह किशन राम के कलेजे के साथ खिसकर बुझा दिया है, और किशन राम के प्रति उनकी इस संवेदनशील कल्पना पर उसकी घरवाली कहीं अदृश्यमान तौर पर उपस्थित सी खिलखिला रही है। बचपन बीतते न बीतते ही शादी हो गई थी किशन राम की। पूरी तरह सयाना होने होने तक में ही संबंध टूट भी गया। उन दिनों किशन राम अकेला ही रहता था। अनेकों के मना करने के बावजूद पांडे जी के पिता ने किशन राम को ही अपना हलिया रख लिया था। हलिया रख लेने के बाद खुद उन्होंने तथा पांडे जी की मां ने किशन राम से कहा था, किशन राम पहली तो विश्राम लेने को डाल पर आकर बैठी हुई जैसी भुर उड़ गई, अब तू क्यों उसके लिए जोग धारण कर रहा है। अरे तो ब्याह कर लेता तो हमारी खेती भी कुछ और ज्यादा संभलती, बिना जोड़ी का बैल तक नहीं खिलता रे, तू तो हलिया है। नहीं करता दूसरा ब्याह तो पहली को ही लौटा ला। किशन राम भली भांति जानता था एक तो बिन घरवाली का हलिया वैसे ही पूरा श्रम नहीं कर पाता गुसाइयों के खेत में, तिस पर उसका तो दायां हाथ भी पूरा नहीं लगता है। लेकिन भवानी, शेष जीवन में उसके पुनरागमन की संभावना अब सिर्फ कल्पना में ही हो सकती थी। तब आखिर उसने एक दिन हाथ जोड़कर अपनी अनुपयोगिता को स्वीकार लिया था और अपने सौतेले भाइयों में से किसी को हलिया रख लेने को कहते कहते रो पड़ा था, बराड़जू मैं अभागा तो हाथ से झड़ी लोथ ही नहीं लौटा पाया, कलेजे से झड़ चुकी कैसे लौटाऊं। उन दिनों गांव भर में ये बात फैल गई थी कि सयानी औरत का मन भी कैसा कोमल होता है, मां का जैसा। खुद कुसुमावती बहुरानी ने ही अपने हाथों से किशन राम के आंसू पोंछ दिए थे। ब्राह्मणी, वो भी पुरोहित घराने की, और अपने हाथों से शूद्र के आंसू पोंछे। लेकिन केवल पांडे के पिता भैरव पांडे जी ने ही क्या कहा था कि वो अशुद्ध होना नहीं शुद्ध होना है। केवल पांडे के पूछने पर कुसुमावती की आंखें फिर गीली हो गई थी, बोली थी, दुख सभी का एक होता है केवल, मैंने आंसू पोंछे तो मेरे पांवों के पास की मिट्टी उठाकर कपाल से लगाते हुए बोला था किशन राम, बौराण जी पारसमणि ने लोहे का तसला छू लिया है, मेरे जन्म जन्म के पापों का तारण हो गया है। शूद्र में जन्मा है मगर बड़ा मोह बड़ा वैराग्य है किसनिया में, भवानी ने तो अपना नाम ही गलत कर दिया, इस भोला भंडारी को उजाड़ कर चली गई। पांडे जी अनुभव करते रहे थे कि कहीं भवानी के प्रति किशन राम में अति मोह था और इसीलिए है इतना विराग। उन दिनों हफ्ते हफ्ते किशन राम अपने कपड़े भी धो लेता था, भोजन भी नित्य समय पर कर लेता था, खेतों में काम होता तो पांडे जी के घर से ही रोटियां जाती थी, और विनम्रतापूर्वक किशन राम केवल पांडे की बहू से कह देता था, बौराणजू रोटियां मुझे टाइम से ही दे देना। एक दिन खेत जोतने से निपट कर किशन राम सुयाल के किनारे कपड़े धो रहा था
लंगोटी पहनकर शेष कपड़े सुखाने डाल रखे थे कि यजमानी से लौटते पांडे जी आए थे। उनके नदी पार करते समय वो जल्दी जल्दी पानी से अलग हट गया था कि उसके पांव का छुआ जल उन्हें न लगे। पांडे जी ने यजमानी से मिली मिठाई में से कुछ मिठाई उसे दी और कहा था, किशन राम, अच्छा नहीं किया भवानी ने, नहीं तो तुझे अपने हाथों से खाना पकाने और कपड़े धोने से मुक्ति मिलती। और तू मैं तो साथ मछलियां पकड़ते थे, अब तू यो नदी छोड़ के अलग क्यों होने लगा? इतनी दूर तक छूत मैं नहीं मानता रे। किशन राम के हाथ जोड़ाए थे और होठों पर हल्की सी हंसी। महाराज, जिस दिन बराणियों की सोने की छड़ी जैसी उंगलियों का स्पर्श पा लिया मेरी आंखों ने, उस दिन से कलेजे की जलन से कुछ मुक्ति मिल गई। इतना ही बहुत है, नहीं तो कहां अपवित्र, कहां अपवित्र। यूं ही वर्षों बीतते गए। केवल के पिता भैरव पांडे जाते रहे, फिर कुसुमावती बहू भी। धीरे धीरे किशन राम की कमर भी झुकने लगी, मगर हल उसने नहीं छोड़ा। जब तक खुद वो हल नहीं छोड़े तब तक हलिया न बदला जाए केवल पांडे निर्णय कर चुके थे। जरूरत पड़ने पर रोजाना मजदूरी देकर खेत जुतवा दिए जाते, मगर किशन राम को कोई नहीं टोकता था। केवल पांडे की पत्नी चंद्रा बहुरानी भी अपनी सास की सी सहानुभूति उसके प्रति रखती थी। कभी कभी किशन राम कृतज्ञ भाव से कह देता कि बड़ी बहुरानी जी की तो देह ही दे गई है, आत्मा तो छोटी बहुरानी में समा गई। और ऐसा कहने के बाद बहुधा वो पांडे जी से आत्मा परमात्मा के संबंध में तरह तरह के प्रश्न पूछने लगता था। महाराज, शास्त्रों में तो आत्मा परमात्मा के ही मंत्र लिखे हुए रहते हैं ना, आपके चरणों का सेवक ठहरा, दो चार मंत्र मेरे अपवित्र कानों में भी पड़ जाए तो मेरी आत्मा का मैल भी छट जाए। क्या करूं गुसाई, घास खाने वाले पशु बैल नहीं हुए, अनाज खाने वाला पशु किशन राम ही हो गया। आपका जन्म जन्मांतर का सेवक हुआ मैं गुसाई जी, दो चार मंत्र ऐसे मार दीजिए कि शरणागत किशन राम के फूटे कपाल में भी की से आगे क्या, इसे सिर्फ उसकी आंखों में ही पढ़ा जा सके तो पढ़ा जा सके। तुरंत बात बदलते पूछने लगा था कि महाराज, मरने के बाद आत्मा कहीं परलोक को चली जाती है या इसी लोक में भटकती रह जाती है? 84 लाख योनियों में एक योनि प्रेतात्मा योनि भी होती है, ये जानने के बाद से किशन राम और भी अधिक जिज्ञासु हो गया था कि आत्मा की इच्छा न होने पर भी क्या देह मात्र की इच्छा से प्रेत योनि मिल सकती है। जब यजमानी में नहीं जाना होता था तो पांडे जी खेतों में चले जाते थे। उन्हें इस बात का बोध भी था कि जब चंद्रा बहुरानी खेत में होती हैं तो किशन राम एकदम दत्तचित्त होकर काम करता रहता है, मगर जब पांडे जी खुद होते हैं तो बार बार सुरती फाँकने के बहाने उनसे तरह तरह की बातें पूछने लगता है। पांडे जी किशन राम के प्रति कठोर नहीं हो पाते थे। जैसी बहकी बहकी बातें वो इन दिनों करने लगा था, यही भासित होता दिखता कि किशन राम निरंतर अंतर्मुखी होता जा रहा है। आंखें उसकी इतनी धस गई थी अंदर कि मरने के बाद तालाब में डूबी पड़ी मछली जैसी कोई चीज उनमें चमकने लगती थी, और पांडे जी को लगने लगा था कि वो उसकी मृत्यु का पूर्वाभास है क्या। औरत संतानहीन लोगों की इस लोक से मुक्ति नहीं हो पाती है, और वे रात भर मशालें हाथ में थामे अपने लिए पत्नी और संतति खोजते कायाहीन प्रेत रूप में भटकते रहते हैं टोले बनकर। ऐसा कभी पांडे जी ने ही उसे बताया था, साथ ही ये भी कि उच्च जाति के लोग जो प्रेत योनि में ज्यादा नहीं जाते हैं, औरत संतति से वंचित रहने पर भी उसका कारण ये है कि उनकी सदगति शास्त्रोक्त पद्धति से हो जाती है। ये सब कुछ जानने के बाद से किशन राम निरंतर उनसे सदगति के बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछने लगा था। अभी कुछ ही दिन पहले उसने फिर पूछा था कि
खुद प्रेत योनि में भटका जाए या कि जिस पर तृष्णा रह गई हो उस पर प्रेत रूप में छाया चली जाए, तो इससे मुक्ति का उपाय क्या है? कई बार के पूछने पर किशन राम कुछ खुला था। महाराज, आप तो मेरे इष्ट देवता सरीखे हैं, आपसे क्या छिपाना। इधर शरीर बहुत कमजोर हो चला, समय से खा नहीं पाता हूं, वात पित्त बढ़ गया है, ठीक से आंख भी नहीं लग पाती और नहाने कपड़े धोने की शक्ति अब रही नहीं गुसाई जो। और जब जब भूख से पेट जलता है तब तब खांसी और चड़क से देह टूटने को हो जाती है, और इधर उधर झांकने पर सिर्फ अपनी दुर्गंध, अपनी प्रेत जैसी छाया घेरने लगती है। तो पापी चित्त बस में नहीं रहता गुसाई जो, जिसे जवानी के दिनों में कभी गाली नहीं दी, उसे मरते समय न जाने कैसी भयंकर और पलीत गालियां पकड़े लग जाता हूं। आत्मा फांसी के फंदे पर लटकी हुई सीधे काटती रहती है। अब बसान घाट की तरफ जाते समय अपनी घरवाली को रांड पातर मत कह रे कसाई, मगर ये तो ठूठ उंगलियां चरस भरी बीड़ी जैसी सुलगती मेरे कपाल को दागती रहती है कि अरे पातरा, तूने जो मेरा कलेजा ही नहीं निकाल लिया होता तो आज जिस वृद्धावस्था में तू नहीं कोई और तो होती। वो सही जो कहीं मैं प्रेत बन गया तो? किशन राम, भवानी को तो भूला नहीं है रे, जैसी दगा वो कर गई तेरे साथ, किसी और के साथ करती तो वो थू थू थूकता और दूसरी ले आता, मगर तेरा मोह तो घटा नहीं, विषाद चाहे जितना बड़ा हो, तेरी गालियां पिशाच की नहीं दुखी मनुष्य की हैं। गुसाई जी, डाल पात टूटा वृक्ष तो फिर से पंगुर जाता है, मगर जड़ से उखड़ा क्या करे, जब तक हाथ पांव चलते रहे, टेम से पेट की आग बुझाना, टेम से मैले कपड़े धोना इसीलिए करता रहा कि नहीं करूंगा भवानी के लिए गाली निकलेगी मुंह से। महाराज, आपने तो उसे पुरपुतली की तरह मेरे आगे पीछे उड़ते खुद ही देखा था, उस तितली जैसी चक्कर काटती को गवा देने के बाद कोई दूसरी सयानी औरत ले आता तो लगता आगे पीछे झपट्टे मार रही है। महाराज, आप भी कहते होंगे इस किशनवा डोम की मत्ती वृद्धावस्था में चौपट हो गई, मगर मैंने उस पुरपुतली को कभी इतनी दूर नहीं उड़ाना चाहा गुसाई जी कि दिखना ही बंद हो जाए। मैं कपाल में हाथ लगाए आकाश हेरता रहूं और वो दोपहरी का तारा हो जाए। पांडे जी को लगा था इसकी धंसी हुई सी आंखों में जो तालाब की मछली जैसी चमकती है, वो खुद तब का किशन राम ही अपनी भावुकता में डूबा पड़ा है, जब वो बीड़ी का जलता ठूंठ हथेली में खींच लेने वाली किशोरी भवानी को साथ लेकर काम पर निकला हुआ शास्त्रों की व्यवस्था पूछता फिरता था कि महाराज, शास्त्रों में घरवाली के संबंध को जन्म जन्मांतर का संबंध माना गया है ना? अभी कुछ ही दिन पहले उसने कहा था, महाराज आजकल जो तड़प रहा हूं तो इसीलिए कि मलेच्छ योनि का पहले ही ठहरा, ऊपर से ये संसारी कुटिल चित्त की हाय है, गरुड़ पुराण सुनने का तो पहले ही हक नहीं ठहरा, फिर सुनाए भी कौन, कभी कभी जंगल में आंखें बंद करके लेट जाता हूं गुसाई जी कि कोई आकाश में उड़ता गरुड़ पक्षी ही मुझे मुर्दा समझ करके मेरे माथे पर बैठकर टिटकारी छोड़ जाए। महाराज, अपने तरण तारण की उतनी चिंता नहीं, इसी ध्यान से डरता हूं कि कहीं प्रेत योनि में गया तो उसे न लग जाऊं,
हमारी सौतेली महतारी में हमारे बाप का प्रेत आने लगा महाराज। उसके लड़के गर्म चिमटों से दाग देते थे उसे। वो 90 साल की बुढ़िया रोती बिलबिलाती, कहीं भवानी के लड़के भी उसे ऐसे ही न दागे। जिसे जीते जी अपना सारा हक गुम होते हुए भी कठोर वचन तक नहीं कह सका कि जाने दे रहे किसना पुतली जैसी उड़ती छोरी है, जहां उसकी मर्जी आए वहीं बैठने दे। उसे ही मरने के बाद दागते कैसे देख सकूंगा। अच्छा गोसाई जी, अगर कोई आदमी जीते जी अपनी आंखें निकाल कर किसी गरुड़ पक्षी को दान कर दे तो वो प्रेत योनि में भी अंधा ही रहता है या नहीं? पांडे जी अनुभव कर रहे थे, जो जो किशन राम मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, त्यों त्यों भवानी एक रंग बिरंगी तितली की तरह उसके अंदर ही अंदर उड़ती उसे एक ऐसे विभ्रम की ओर ले जा रही है, जहां मन के बवंडरों के प्रतिरोध की क्षमता न देह में रह जाए न बुद्धि में। वे डरने लगे थे कभी अपनी अंध भावुकता में किशन राम सचमुच न आंखें निकाल बैठे। उसकी धसी हुई आंखों में झांकने पर उनको लगता किशन राम ने मछली पकड़ने के जाल को ऊपर से मूठ बांध कर नीचे की ओर गहराई में फैला दिया है और बार बार उसकी अतृप्त कामनाएं उस जाल में फंस कर छटपटाती हैं। बार बार वो अपना ही ये माया जाल अंदर की ओर समेटने की कोशिश करता है और तब उसकी आंखों के आसपास की छुरियां ऐसे आपस में सिमट जाती हैं कि लगता है जाल की बंधी हुई मूठ एकदम कस दी गई है और डोरियों में भीगा पानी निचोड़ रहा है। ऐसी आंखों को अपनी ही देह पर सहना कितना कठिन होता होगा जिन्हें दूसरे तक न सह सकें। उस निरे अशिक्षित और अबोध किशन राम की आंखों की गहराई में जो चमक दिखाई देती थी, पानी के तल में मरी पड़ी मछली की सी चमक, उसे देखने में पांडे जी को यक्ष युधिष्ठिर प्रसंग याद आ जाता। उन्हें लगता बिना अपनी प्रश्नाकुल आंखों के लिए तृप्ति पाए ये किशन राम उन्हें छोड़ेगा नहीं, न जीते जी न उपरांत। उन्होंने किशन राम से कहना शुरू कर दिया, शास्त्रों में ये भी तो लिखा है कि जो व्यक्ति पवित्र मन से प्रायश्चित कर लेता है वो अपनी मरणोत्तर स्थिति में अवश्य ही स्वर्गवासी हो जाता है। किशन राम के प्रश्न पूछते ही अब पांडे जी कह देते, किशन राम तू तो एकदम निश्चल निर्वैर मनुष्य है, तुझ जैसे सात्विक लोग प्रेत योनि में नहीं जा सकते। मगर इससे किशन राम के प्रश्न ही घटे थे, उसकी बेचैनी उसका दुख नहीं। पहले जिस बेचैनी को वो प्रश्नों में बांट देता था, अब वो जैसे चट्टान में से बूंद बूंद रिश्ते जल की तरह उसके अस्तित्व में इकट्ठा होती जा रही थी। और पांडे जी को लगता था किशन राम की ये बेचैनी नहीं घटी तो उसकी मुक्ति सचमुच कठिन होगी। उसे यदि नदी में बहा भी दिया गया तो अपनी ही अर्थी के बांस के सहारे टिके हुए शव जैसी उसकी विक्षुब्ध आत्मा सतह पर उतर कर ऊर्ध्वमुख हो जाएगी। किशन राम की आंखों में मृत्यु की छाया दिखाई पड़ने लगी है और आंखों के रास्ते जिनके प्राण निकलते हैं उनका चेहरा कितना डरावना हो जाता है। सुयाल के किनारे चलते चलते अतीत के आग्रह में होते पांडे जी को ऐसा लग रहा था कोई उनकी पीठ पर लदी उस पोटली को नीचे धरती की ओर खींच रहा है जिसमें यजमानी से मिली हुई सामग्री है। दूर के गांव में एक वृद्ध यजमान की मृत्यु हो गई थी और 13वीं का पीपल छुआकर पांडे जी वहीं से वापस लौट रहे थे। पोटली में अनेक अन्य वस्तुओं के साथ जौ तिल भी थे और एक जोड़ी बर्तन भी। बाकी बर्तन तो गत क्रिया के दिनों ले चुके थे, आज सिर्फ एक लोटा एक कटोरा एक चम्मच और एक थाली। किशन राम के मरने पर हो सकता है उसके सौतेले भाई उसके थोड़े से जो बर्तन थे उन्हें भी समेट ले गए हों, और संभव है अपनी हीन नियत के कारण मरे किशन राम के नाम पर कोई बर्तन न लगाएं। पांडे जी को याद आया चंद्रा बहुरानी जो पानी का लोटा खेत में ले जाती थी उसे किशन राम छूता नहीं था। बहुरानी लोटे से पानी छोड़ती थी और वो दाई हथेली होठों से लगाकर गटागट पीता था, तब भी कैसी जन्म जन्मांतरों की सी मालूम देती थी उसकी प्यास।
पानी गटकने की आवाज कैसे साफ सुनाई पड़ती थी, गले की घुंडी कैसे लय में डूबती होती थी। सोचते सोचते पांडे जी को लगा जैसे किशन राम पीछे पीछे चलता हुआ उनकी पीठ पर बंधे लोटे को अपने होठों की ओर झुका रहा है। पांडे जी के पांव एकदम भारी भारी हो आए। उन्हें याद आया यजमान के मरने से पहले यूं ही तसल्ली देने को एक दिन उन्होंने किशन राम को यह आश्वासन दे दिया था कि उसके मरने पर वे खुद उसका तर्पण कर देंगे, और तब किशन राम कुछ आश्वस्त हो गया था। महाराज, आपके हाथ की तिलांजलि से तो मुझे भाग्य के समस्त पापों का तारण हो जाएगा, मगर कहीं ऐसा तो नहीं गोसाई जी कि उल्टे आप जैसे पवित्र ब्राह्मण देवता से तर्पण कराने का कोई दंड भुगतना पड़े मुझे। पांडे जी जानते थे किशन राम का तर्पण उनके लिए शास्त्र विरुद्ध और निषिद्ध है, मगर उसे आश्वस्त करने का एकमात्र उपाय ही यही रह गया था। उन्होंने कह दिया, जाति तो मिट्टी की होती है किशन राम, मिट्टी छूट जाने के बाद सिर्फ आत्मा रह जाती है, और आत्मा तो अछूत होती नहीं। मगर इस समय इन सारे तर्कों में जाने का अवसर है कहां। चित्त इसी दुविधा में हो गया है कि कहीं किशन राम मर गया हो तो क्या वो अपना वचन पूरा कर सकेंगे। मन ही मन केवल पांडे को अब आभास हुआ कि प्रार्थना करते जा रहे, और चाहे जो मरा हो किशन राम न मरा हो। गांव में उन दिनों सिर्फ दो ही के मरने की आशंका ज्यादा थी, एक किशन राम और दूसरी उसकी सौतेली मां। केवल पांडे एक क्षण को तो संकोच में हुए कि ये किशन राम की सौतेली मां के प्रति पूर्वाग्रह करना तो ना होगा कि किशन राम की जगह उसका मर जाना अच्छा मालूम पड़े। फिर इस मनोभाव में हो गए कि 90 से ऊपर हो गए तो विदा होना ही है, आज नहीं तो कल। भारी कदमों से चलते चलते श्मशान तक आ पहुंचे तो वहां सिर्फ अंतिम रूप से बुझती चिता शेष रह गई थी। मुर्दा फूंकने वाले जा चुके थे, श्मशान सूना पड़ा था, नदी के बहने की आवाज के साथ सन्नाटा भी बोलता मालूम पड़ता था, जैसे कि किसी के जा चुकने का वृत्तांत सुनाता हो। पांडे बाहरी आचार संस्कार में शूद्रों को जितना अछूत समझते थे, भावना में नहीं। पिता और मां से भी उन्होंने संवेदना और उदारता ही पाई थी, मगर परंपरागत सामाजिक व्यवस्था में जितना उन्हें बाहरी आचार व्यवहार को जीना पड़ता था उतना अपने भावना जगत का अवसर नहीं था। इस एकांत में भी अपने मंतव्य पर जाते हुए उन्हें एक सिहरन सी जरूर हो आई। किशन राम के संबंध में जिज्ञासा बढ़ती गई थी, मगर दूर से पूछ लेने में जो सुविधा समझी थी अब वो भी नहीं रही थी। जानना चाहते थे किशन राम ही था या उसकी सौतेली मां थी या आकस्मिक रूप से मरा कोई और। मगर दूर से देखने पर चिता में शव भी जलता दिखाई नहीं दे रहा था, संभव है पूर्ण दाह कर दिया गया हो। यह भी संभव है कि अधजला शव बहा दिया गया हो, लेकिन पूछे किससे, नदी से कि अरण्य से। जिज्ञासा के तेज प्रवाह में पांडे थोड़ा आगे बढ़ गए, अजीब मनस्थिति उनकी हो गई। ये आशंका पांवों को पीछे लौटा लेना चाहती थी कि कहीं दूर खेतों में काम करता या इस ओर आता हुआ कोई व्यक्ति श्मशान टटोलते देखेगा उन्हें तो न जाने क्या समझे। एक अछूत के शवदाह के बाद वो वहां आखिर क्या खोज रहे। मगर जिज्ञासा जैसे भ्रमित चित्त को चारों ओर घुमा देती कि कहीं कोई ऐसा अवशेष यानी किशन राम की सौतेली मां का खागरा पिछोड़ा ही दिख जाए, जिससे आभास हो कि कोई औरत ही मरी है और शंका टले। तभी एकाएक कोई कपड़ा उनके पांव से लग गया और पांडे चौंक कर पीछे हट गए। देखा किशन राम की सी काली तोकलिया टोपी है जिसे चंद्रा बहुरानी से रोटियां लेने में वो लोहे के तसले की तरह आगे फैला देता था। नहीं, इस टोपी को पहचानने में चूक नहीं हो सकती।
इसमें और किशन राम के सिर में कोई अंतर नहीं। इस टोपी को किशन राम के सिर के बिना जरूर देख रहे हैं, लेकिन किशन राम का सिर तो इस टोपी के बिना कभी देखा नहीं। किशन राम, हो विष्णु विष्णु विष्णु। केवल पांडे को लगा तसले की तरह फैली हुई उस टोपी के पास ही किशन राम का प्रेत भी उपस्थित है और याचना भरी आंखों से उन्हें घूर रहा है। महाराज, हे राम। दुख और विषाद में पांडे जी की आंखें गीली हो आई। अब तक अंधेरे में सांप की तरह डोलती आशंका के प्रमाण सिद्ध हो जाने से पांव अपने आप एकदम हल्के हो गए, जैसे घटना का घटित हो चुकना सारे भ्रमों से निर्भ्रांत कर गया हो। केवल पांडे थोड़ा पीछे लौटकर फिर आगे निकल आए गांव की ओर जाने वाली सड़क पकड़ने के लिए। थोड़ी दूर और सुयाल के किनारे किनारे ही चलना था, मगर श्मशान भूमि से जरा ऊपर पहुंचते ही फिर पांव भारी पड़ने लगे। लगा किशन राम पीछे छूट गया है और टोपी फैलाए हुए। आखिर क्या मांगना चाहता होगा किशन राम अपने अंतिम क्षणों में? सिर्फ यही तो कि उसकी प्रेत मुक्ति हो जाए। शायद मरते समय किसी से कह भी गया हो कि पांडे जी को इस बात की याद दिला दी जाए कि किशन राम का तर्पण करने का आश्वासन दे रखा था उन्होंने। उन्हें याद है अंतिम कुछ दिनों अपनी मुक्ति की जो आश्वस्ति किशन राम की आंखों में आ गई थी वो कुछ सामान्य न थी। प्रेत मुक्ति के इत्मीनान में हो गए होने की प्रतिछाया उसके बोलने सुनने खाने पीने और चलने फिरने तक में झलकने लगी थी। अब वह आत्म पीड़ित नहीं प्रशांत लगता था। उसके जर्जर शरीर में एक मध्यम लय सी आ गई थी। केवल पांडे का यह कहना कि एकांत में ही सही वो शास्त्रोक्त विधि से उसका तर्पण कर देंगे सुनकर वो विरागियों की सी सौम्यता में हो गया था। अब कहीं ऐसा ना हो उसकी मरणोत्तर आत्मा यही खोजती फिरती रही हो कि पांडे उसका तर्पण करते भी हैं या नहीं। केवल पांडे जो आगे बढ़ते जा रहे थे लगता था किशन राम उनको पीछे लौटा लेना चाहता है और इससे मुक्ति का एकमात्र उपाय यही है उसका तर्पण कर दिया जाए। तमाम दुविधाओं से मुक्ति का यही एक मार्ग शेष है। जाति बिरादरी के लोगों की जानकारी में तो कुछ भी करना संभव नहीं। यहां इस सुयाल घाटी के एकांत में तो सिर्फ वो ईश्वर साक्षी रहेगा जिसके लिए मनुष्य सब एक है, न कोई डोम है न कोई ठाकुर ब्राह्मण। मगर श्मशान के समीप ही तर्पण करने पर कोई आता जाता देखेगा तो प्रश्नवाचक आंखों से घूरेगा और कहीं ये अफवाह न फैला दे कि पैसे के लोभी ब्राह्मण अब चोरी चोरी शूद्रों का पौरोहित्य भी करने लगे हैं। थोड़े ही ऊपर एक पतली धारा सुयाल में मिल रही थी। पांडे जी आगे बढ़े और संगम के पास एक ऊंची शिला पर पोटली रख दी। पोटली खोलते में लोटा देव प्रेरित सा बाहर को लुढ़क पड़ा। पांडे जी का मन भर आया। थोड़ी देर तक तो वो किशन राम के साथ पीते बाल्यावस्था के क्षणों की स्मृति में डूबे ही रह गए। आखिर धीरे से जल भरकर उन्होंने नदी किनारे की मिट्टी में वेदी जैसी बनाकर लोटा रख दिया। जिंदगी भर तो यजमानों की हथेली से दान ही ग्रहण किया है, आज थोड़ा सा दान अपने सेवक के नाम पर स्वयं भी क्यों न कर ले। चिंतना में उदार होते होते पांडे जी ये भी भूल गए कि एक शूद्र का तर्पण कर रही है। थाली गिलास और कटोरा भी उन्होंने निकाल लिया। थाली में जौ तेल डाल लिए, थोड़े से कुश भी बीन लाए। सारी सामग्री ठीक कर लेने के बाद पहली तिलांजलि देने के लिए किशन राम प्रेत प्रेतार्थ कहते कहते उनका मन हो आया पीछे लौटकर श्मशान के पास पड़ी किशन राम की टोपी उठा जाए और उसी में जौ तिल छोड़ दे। विष्णु विष्णु विष्णु।
किशन राम का तर्पण करके गांव के एकदम समीप पहुंच गए तो एकाएक ही केवल पांडे को याद आया कि कल ही उन्हें अपने पिता का भी तुश्रात करना है। पहले दिन एक शूद्र का तर्पण करने के बाद फिर अपने धर्म प्राण और शास्त्र जीवी पिता का श्राद्ध। पांडे जी ने अपने हाथों की ओर देखा, लगा अशुद्ध हो गए। उद्विग्न होकर अपने मुंह पर उंगलियां फिराई तो वातावरण में सुरती तोड़ने की जैसी तीखी गंध व्याप्त होती अनुभव हुई। पांडे सोच रहे थे, यों चोरी चोरी शूद्र का तर्पण करने के बाद बिना घर वालों से कुछ कहे सुने उन्हें पिताजी का श्राद्ध कदापि नहीं करना चाहिए। स्वर्गस्थ पितर के प्रति ये छल अनिष्ट कर ही होगा। जानते थे अछूतों के प्रति तमाम उदारता के बावजूद जातीय संस्कार की निष्ठा और कट्टरता उनके पिता में प्रभुत थी। जो शास्त्र सम्मत है वही मानवीय भी है, ऐसा उनका मत था और इसे निभाहा भी। जिसने जीवन भर शास्त्र विरुद्ध कोई कर्म नहीं किया उसी का श्राद्ध अशुद्ध हाथों से कैसे किया जा सकता है। गांव समीप आता जा रहा था मगर केवल पांडे बहुत थक गए थे। उन्हें भय लग रहा था, शुद्ध मन से श्राद्ध करने के लिए उन्हें सत्य बोलना ही पड़ेगा, फिर चाहे घर वालों और बिरादरी में कैसी ही अप्रिय प्रतिक्रिया क्यों न हो। उन्हें लगा किशन राम की प्रेत मुक्ति तो हो गई होगी लेकिन अब पश्चाताप का प्रेत उनसे चिपट गया है। किशन राम की याद आने पर माथे का पसीना पोंछते हुए उन्होंने पुनः श्मशान की दिशा की ओर आंखें उठाई। उन्हें लगा अस्ताचलगामी सूर्य और उनके बीच में इस समय उनका अपना ही प्रेत लटका हुआ है और इसी अवसन्नता में कुछ देर वहीं पगडंडी के किनारे की शिला पर बैठे ही रह गए। सौतेली मां को फूंक कर दूसरे रास्ते से वापस लौटते किशन राम ने केवल पांडे को ध्यान में डूबा हुआ सा उदास सड़क के किनारे बैठे देखा तो परम श्रद्धा भाव में महाराज कहते हुए दंडवत में झुका, जैसे कहीं अंतरिक्ष में से आती सी पुकार को सुनकर केवल पांडे ने चौंक कर सामने की ओर दृष्टि की तो किशन राम का नंगा सिर दिखाई दिया। बीच सिर में जहां पर बाल नहीं रह गए थे पसीने की बूंदें थी और केवल पांडे चकित से देखते ही रह गए। किशन राम दोनों हाथ दंडवत में जोड़े जमीन पर यथावत झुका ही था। जीता रहो कहने को हाथ ऊपर उठाते हुए केवल पांडे को लगा जैसे आसमान में लटके किसी प्रेत के बंधन से अपने को मुक्त कर रहे हों।